बच्चे रुक के देखते जाओ, दादी ने मेडल लिया, धूम मचा के लिया। कोच कह लेगा दादी एक सर्रा चला के देखो। भाई आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं इंटरनेशनल शूटर दादी प्रकाशी से। हाथ मजबूत थे बेटे, घास काट रखा था, धार निकाल रखी थी, के पांच गोली भर के मैं दिल में ओके कर उठा कर चला दी, धड़ाधड़ मैच कर दिया। कहने का हटा यार फोटो करवा दू, औरत के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। दादी कौन सी हीरोइन है इधर? ये तापसी पन्नू है बेटे, तापसी पन्नू। मेरा रोल इन नहीं करा था। गांव के लोगों ने बहुत एतराज उठाया कि बुढ़िया पे है ये, जागी कारगिल में, ये साइड में खड़े देखो, ये पहला था फोटो खिंचवाया। पिक्चर में देखो, पिक्चर में कितना मुंडा मुंह बना हुआ रो है यू। वो तो जी पिक्चर बनी जीवी नीचे को मुँह हो गया। कहने लगा बुढ़िया उन्होंने तो बहुत बड़ा काम करा, इतना प्यार हमारे दुराने जाने मत था। पढ़ी लिखी तो आप है नहीं? नहीं बेटे मैं तो गुंडा टेक हूँ। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे खराब, खेल लेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, तो वो काम कर दिया आपने तो। उल्टा हो रहा। हाँ सच्ची बात है बेटे, खेल कूद के ही कर लिया। स्टार प्लस पे आता था भाई, देखो जरा सत्यमेव जयते पे ये दादी को मतलब वहाँ से कब मिला है। दूसरी बात है बेटे, अरे आगे सफलता मिलेगी जितने चलते रहोगे, अच्छे काम करते रहोगे, सफलता मिलती रहेगी, आगे बढ़ते रहोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। और भाई आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं इंटरनेशनल शूटर दादी प्रकाशी से। नाम तो आपने सुना होगा चंद्रो प्रकाशी, जो दादी शूटर हैं, बागपत जिले की रहने वाली हैं, जोड़ी गांव में। और इस वक्त हम उनके घर पे पहुंचे हैं और ये जो यहाँ की आप तस्वीर देख रहे हैं ये जोड़ी गाँव की है। और एक बार कैमरामैन से कहूँगा भाई एक बार घुमा के दिखा दे थोड़ा सा। इस टाइम ये रोड है बाग बड़ोत मेरठ रोड। और भाई जो सामने इधर घर है वो दादी शूटर दादी प्रकाशी का ये घर है। अंदर चलेंगे, सारी बातचीत करेंगे। दादी ने पूरे इंटरनेशनल में भाई अपने नाम का पूरा धुआं उठा रखा है। और दादी के ऊपर एक बॉलीवुड की फिल्म भी शूट हुई थी जिसमें तापसी पन्नू ने भूमिका निभाई थी। तो एक बार अंदर चलेंगे, बातचीत करेंगे, बने रहो हमारे साथ। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा भी है दादी प्रकाशी तोमर। तो भाई अंदर आ जाओ भाई, आ जाओ। दादी राम राम जी। तेरे बेटे खुश रहो, असली बात है तुम्हें। ठीक हो दादी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। भाई आगे आ जाओ थोड़ा सा। दादी एक बार हमारे दर्शकों को राम राम कर दियो। बेटे मेरी तरफ से सबको राम राम है, मेरा आशीर्वाद है। तो दादी जी शुरुआत करेंगे आपके इस इंटरव्यू की कि आपने जो ये निशाने का जो काम किया है मतलब कहाँ से स्टार्टिंग की, सारी बात बताओ कि आपको मतलब इस उम्र में कहाँ से शौक लगा था इस चीज़ का। बेटे मैं एक यहाँ 5-4 मशीन लगा के एक रेंज चलती करी थी। अच्छा। तो उसमें मेरी बेटी पोती कह ली हमारे एडमिशन करा दें, उनके एडमिशन कराए थे, उनके एडमिशन कराए तो मैंने कह लगी पठानों का मकान है अकेले नहीं जा। तो उनका हमारे साथ चलेगी, उनके साथ जा करूँ थी और 2-4 दिन तो बैठ के देखा। कोच कह लगा दादी एक छर्रा चला के देखो। वो छर्रा चला के देखा, वो ट्रेन में लग गया। अच्छा, निशाना बिल्कुल फिट बैठ गया। निशाना बिल्कुल, क्यों हमारे हाथ मजबूत थे बेटे। हाँ। घास काट रखा था, धार निकाल रखी थी, इसलिए हाथ मजबूत थे। तो कहने का दादी तुम तो बहुत अच्छा करोगे। मगर नहीं भाई, हमारी भी फैमिली बहुत बड़ा परिवार है, कोई मने करेगा कोई कुछ कहेगा, हम इस काम में हम नहीं लगने के। लड़की के साथ आ रही, कह लगा नहीं दादी प्रैक्टिस करे करो। और इनकी गैल आई छर्रे चलाएगी थारे घर कोई नहीं बतावे, तो इसलिए हमें भी लगन सी लग गई। हम ये घेर था, खेत का काम करते, गेयर का करते, हम किए जाने थे शूटिंग। तो काम भाग भाग का काम नहीं मिटा के जग में पानी लेके गड्डी खड़ी रहती, उसके ओट में खड़े हो जाते। मतलब हाथ को भाई एक जगह रहे, हिलाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। घरों गए, नहाए, रोटी खाई, एक कोठा था भूस का, उसमें अंदर पानी जग में लेकर पानी और खड़े हो जाते। तो लगन लग गई, सुबह ही लड़की गए जा छर्रे चढ़ा के देखे हमें, यही होता रहा।
यही चलते चलते हाथ सेटल हो गया, दादी मैच आ गया कि दादी चंडीगढ़ जाना। अच्छा, ये पहला चांस था चंडीगढ़ का? पहला चांस। हम कह लगे भाई हमारे घर को पता लगेगा, ये पता नहीं कैसे हो गए, हमें जान नहीं दे। डर सा था एक भाई, पता नहीं घर वालों को पता लगेगा और वो क्या कहेंगे। एक साल छुप छुप खेल ले। अच्छा। भाई कुकर करेंगे तो खैर चंडीगढ़ मैच हुआ, हम उसमें पता नहीं कैसे कैसे जाकर हम भी बैठ गए। अच्छा। तो लड़कों को पूछा बाबा हरनैन के पिताजी ने, थारी माँ कहाँ गई आज? हमारी माँ कीर्तन है आज, उसमें जा रही, सांझ लो आवेंगी। तो बेटे ने झूठ बोल दिया, मतलब कीर्तनों में जा रही, दादा को लगे कि हाँ। तो हम सांझ को आ गए, मैच करे अपना, वापसी हो गए, सांझ को आ गए, कोई बात नहीं, चलता रहा नहीं। फिर दूसरा मैच आया तमिलनाडु का, आया था बाद में, जाने आसमसोल का अहमदाबाद का आया था, तो वहाँ जाना पड़ा। को बच्चों को पूछा तारी माँ कहाँ गई, इनको हमारी माँ एक हफ्ते के लिए अपने घर गई। अच्छा, मतलब घर चली गई ताकि दादा को लगे मैं अपने गांव घर रहने गई। इतना ध्यान नहीं दे थे वे घेर में रहे थे। तो एक साल चलता रहा। एक साल बाद एक धीरज सिंह DIG मेरा मैच उसकी गेल करा दिया दिल्ली, तो 32 बोर की मेरे हाथ में दे दी। मैं तो एयर पिस्टल ले रही थी, एक साल में के जानू 32 बोर की मेरे हाथ में दे दी। मैं भाई कैसा करूँ इसे, क्या दादी 5 गोली मैंडिल में भर। अच्छा। और इसमें ओके कर दे, और एक गोली छुटार धर, एक गोली छुटार धर। शौक था, मैंने ठाई पिस्टल करके 5 गोली भर के मैंडिल में ओके कर कर ठा कर चला दी, धड़ाधड़ मैच कर दिया। DIG का तो हो गया सेकंड का मेडल, मेरा हो गया गोल्ड। अच्छा। तो सेपाली खान तक मिलने जा रहे थे बच्चे। मुझे कहने लगे दादी, कोच कहने लगे दादी तू भी मिलिया? हाँ, मगर मैं मिल गया। मेरे पीछे ही स्कोर जोड़ा, बच्चे रुक के देते जा, दादी ने मेडल लिया, धूम मचा कर लिया, दादी ने मेडल लिया, धूम मचा कर लिया। DIG बेचारा थाले को ऐड कर गया। DIG को कहने का, कोच कहने का, एक धीरज सिंह फोटो तो करवा ले। कहने का हटा यार फोटो करवा लो, औरत के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। तो दादी मतलब कि उस टाइम जैसे आपने इतना दूसरा चांस था आपके उसमें, तो इतनी कितनी खुशी महसूस हुई उस टाइम जब को मतलब DIG ने बात भी कही? मजे तो हुई ना हुई बेटे लेकिन बहुत गांव को बहुत खुशी हुई, जो वहाँ खेल रहे थे उन्हें खुशी हुई। तो कहने का औरत ने बेइज्जती नहीं कराई तेरी, तू तो पुराना शूटर है, एयर पिस्टल का 32 बोर की का, इन्हें तो पहली बार हाथ में 32 बोल रही। और जीवन ने मेरे दौरे यू खिंचवा रखा, दिखाऊंगी फोटो। दिखाएंगे भाई, अभी दिखाएंगे सारे जो दादी ने अवार्ड भी हैं जीते, और भाई फोटो खिंचवा रखे मुख्यमंत्री के साथ में, और बड़े बड़े स्टार हैं, सारी चीज दिखाऊंगे, अभी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। खड़ा होगा फोटो खिंचवा रखा। तो बेटे वो मिला मुझे गोल्ड मेडल, वो तो बहुत चिलकना हो। मैं सांझ को आई गुरु, बच्चे कहने लगे देखे ताऊ पापा यू गोल्ड मेडल लिया मेरी माँ को आज, और इसमें सुनना आवे। और कहा अच्छा खां सुनना आवे खां, फिर तो खेल लेंगे। अच्छा। जिम मैं खुल के खेल ली थी बेटे। अच्छा। हाँ तो फिर दादा ने मतलब कह दिया भाई खेल लो। गांव के लोगों ने बहुत एतराज उठाया कि बुढ़िया फे ये जागी कारगिल में, जवान लड़की को लो, ना समाज देखती ना गांव देखती, समाज में कैसे रहना, ये आज लड़की को बाहर निकाल दी इनने, और या फिर बाहर बाहर लड़की को लो। मैंने भी भगवान से प्रार्थना करी, भगवान तू मुझे ऐसा कर जो लोगों के मुंह नीचे को हो जा, और मेरी लड़की अपने पैरों खड़ी हो जा। तो ऐसा हुआ, भगवान ने मेरी लड़की अपने पैरों खड़ी कर दी। रूबी तोमर पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर है, सीमा तोमर आर्मी में है, तो मेरी लड़की दोनों कामयाब होगी, मुझे बहुत खुशी मिली। तो दादी बच्चे दो लड़की हैं आपके? नहीं, लड़की तो मेरे 4 हैं, मेरी एक पोती। अच्छा। वाह, पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर है रूबी तोमर। अच्छा। और यह मेरी बेटी आर्मी में ट्रिप की शूटर है सीमा तोमर। तो दो लड़की, इसका मतलब है दो लड़की मेरी अपने पांव खड़ी होगी, खड़ी होगी, जिन्होंने मतलब सर झुकने नहीं दिया, जो लोग चिढ़ाते थे अब भाई ये बुढ़िया जाएगी कारगिल में, अब उन्हें सबक मिल गया इन चीज को देख के। हाँ, गांव नहीं देखा, समाज नहीं देखा, लड़की को ले फिरे।
तो इसलिए मेरा भी ऊपर को मुंह रह गया और मेरी लड़की अपने कामयाब होगी। अच्छा दादी, जो आपकी मतलब ये मजाक उड़ा करते थे, अब क्या कहते हैं वो तो जी पिक्चर बनी जी भी नीचे को मुंह हो गया, कहने लगा बुढ़िया उन्होंने तो बहुत बड़ा काम करा, इस गांव में पिक्चर बन गई, नहीं के जाने थे गांव की पिक्चर। अच्छा दादी एक बात और करेंगे, जैसे आजकल तो भाई बुढ़ापे में कोई थोड़ा बहुत वजन भी नहीं उठा पाता, और उस टाइम का दौर आप हाथ में दो दो किलो की जो पिस्टल होती थी वो हाथ में उठाए रखना। देखो बेटे, अपने को कमजोर ना बनाओ, अपने को बुढ़ापा ना बनाओ, अनाओ को मुझे बुढ़ापा आ गया, तन बुढ़ा हो जा मन बुढ़ा नहीं होता, जिस टाइम भी कोई काम करना चाह कर सकता है। अरे ये हिम्मत थी, हिम्मत नहीं आ रही, और कभी टेंशन नहीं रही, और कभी ये नहीं सोचा के होगा, नहीं जो कर रहे वो ठीक होगा, वो ठीक होते होते ठीक ही हो गया। अच्छा दादी, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, आपकी जो जो दूसरी दादी थी, दादी चंद्रो, अब तो हमारे बीच नहीं है भाई, पिछले साल की बात है ना, तो पिछले साल की बात, दुख हुआ था बेटे, मेरी एक बाँह टूट गई थी, इतना प्यार मेरे में था, कितना प्यार कभी दुनिया में हो ना हुआ, मेरी एक बाँह टूट गई थी, मुझे बहुत दुख हुआ, 5-4 महीने मुझे बिल्कुल सीरियस बन गई थी मैं, मुझे बच्चों ने फिर उभारा दिया कि जो आया वो जागा, वो किसी से रुक नहीं सकता, ना तेरे घर में बैठे थे ना रोए थे, कहीं वापस नहीं आ सकता, तो इसलिए मैं फिर हिम्मत करी। दादी एक बात और है, जैसे आजकल तो दोरानी जेठानी में मतलब वो प्यार नहीं रहता, तो आपका जो प्यार था, मैंने देखा एक इंटरव्यू में आप साथ साथ में खाना, एक ही कटोरी में सब्जी खाना, बहुत ज़्यादा प्यार था। इतना प्यार बतावन लगी, इतना प्यार ना तो किसी में हुआ ना हो सकता, ना बहू बेटी में हो ना माँ बेटी में हो, किसी में नहीं हो सकता जितना प्यार हमारे दुराने जिठाने में था। यू प्यार ही दुखी कर रहा। हाँ बात तो है ना, जो इस दुनिया में आया है जाना तो उसे एक दिन है, बिल्कुल जाना। हाँ जो आया बेटे वो जागा जरूर, हमें भी जाना है, लेकिन थोड़ा ऐसा है समय पर जा वो अच्छा लगे। तो दादी अब तक कितने आप जो आपने ये अवार्ड वगैरह जीते हैं, कितने खेल चुके हैं आप मतलब? बेटे याद नहीं ना तो कितने खेल चुके, घने खेल ली दादी, बहुत नहीं, मैं तो इतनी खेल ली, यू मेरा सब सम्मान है देख ले, और 2 साल घर में बैठे रहे, नहीं कहाँ समझता है सम्मान मेरा। अच्छा दादी सारी चीज़ दिखाऊंगे भाई, बने रहो तुम इंटरव्यू में, सारे फोटो दिखाऊंगे, सारे मेडल दिखाऊंगे, और भाई इतनी जगह खेल ली दादी खुद याद नहीं है, बहुत सारे मेडल हैं। तो दादी दो बार खेल ली बेटे। तो दादी थोड़ी सी आप बात करेंगे, पढ़ी लिखी तो आप है ही नहीं? नहीं बेटे मैं तो गुंडा टेक हूँ। वैसे दादी अपने जिले बागपत का नाम बहुत रोशन कर दिया आपने। हाँ बेटे पढ़े लिखे हम है नहीं, हम तो अपने घास फूस के करने वाले थे, लेकिन यू इसमें नया काम मिला था रेंज में, बच्चों के एडमिशन करो, हमें भी वहाँ से लगा कैसी रेंज हो कैसा निशान ना हो, हमने भी करके देखा, उसमें ऊपर वाले ने साथ दिया, हमने मेहनत करी, तो आज ये पहचान हमारी बनी। वो कहते हैं ना दादी कि एक कहावत है कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे खराब, खेल लेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब, तो वो काम कर दिया आपने तो। उल्टा हो रहा आपने। हाँ सच्ची बात है बेटे, खेल कूद के ही कर लिया मैं तो ये काम, खेल कूद के भाई बहुत ऊंचा नाम कमा लिया दादी ने, बल्कि भाई पढ़ लिख के भी इतनी ऊपर नहीं पहुंचता। तो दादी आपके ऊपर एक फिल्म भी शूट हुई थी, 3-4 साल हो गए, सांड तीसरा साल लगे, तीसरा साल सांड की आँख। तो दादी जब फिल्म आपके बारे में मतलब बम्बई से डायरेक्टर वगैरह आए, तो ये फिल्म वगैरह के बारे में थोड़ी सी बताएंगे आप? अरे बम्बई हम भी बुलाए, आप भी आए यहाँ, हमारी सारी स्टोरी लिखी, तो हमारी भाषा भी हमारी चाल भी हीरोइन ने सब कुछ समझी सब कुछ, जब यहाँ पिक्चर बनी जब लोगों के नूके हैं लोग, और कितना अच्छा काम कर दिया था बुढ़िया उन्हें
इतना अच्छा काम करा, गहम गुआंड का इतना बड़ा नाम हो गया, जोड़ी का तो उनको इतना ऊंचा नाम हो गया। भाई मैं अपनी बताऊं, जिस टाइम यहाँ शूटिंग हुई भाई, वाकई में इतनी बस इतनी गाड़ियां, मैं कहता उस टाइम जब यहाँ शूटिंग होती थी रोड जाम हो जाता था, इतनी बस वगैरह, इतनी भीड़ थी, मतलब देखने वालों की भी बहुत ज़्यादा, आसपास के गांव तक के लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते थे। तो दादी जब इतने बॉलीवुड के लोग आपके ऊपर ये स्टोरी लेके आए, यहाँ आपके गाँव में शूटिंग हुई, तो उस वक्त की आपको कितनी खुशी थी? मतलब देखो बेटे, खुशी तो हुई है, जो हमने एक हमें बताया था कोसने के टीम बना लो तीसरी को, हम बहुत टोते फिरे कोई तीसरी हो जाओ मैं टीम में। अच्छा, तीसरी एक और आप जैसे आ जाए कोई बुढ़िया, उनको तीन की टीम बने। तो हमने एक ली भी, रेंज में ले गए, वहाँ पिस्टल चलावे लगे, उल्टी पिस्टल कर दी, पत्रकार कहने दादी थारी फ्रेंड नहीं चलने की, तुम दो ही बतेरी। तो हमें तीसरी कोई मिली नहीं, लेकिन जब पिक्चर बनने लगी सब लुगाई इकट्ठी, मारी उम्र की, ये मारा भी थोड़ा सा नाम करवा दे, ये थोड़ा सा मारा भी नाम करवा दे, अरे नाम का ही करवा दे, हम जीव तो थारे सौंपते नहीं थे। नू कहती तुम तो ठल ली, वो मार तो सौंपता नहीं, मतलब उस टाइम मजाक लेती थे, मजाक ठल ली। हाँ, इब हम का ही नाम करवा दे, तो जो नाम हो रहा वही चलेगा। तो इसलिए भाई गाँव को इतनी खुशी हुई थी, जीव तो सबको खुशी का माहौल कुढ़ा था, अरे हमें भी खुशी मिली थी बेटे। नहीं, बहुत अच्छा लगा भाई, दादी ने मतलब बुढ़ापे में वो काम कर दिया अब किसी ने नहीं करा, चाड़े काट दिया रहा दादी ने बागपत जिले का नाम ऊंचा करने में। कैमरा मैन से कहूँगा भाई एक बार इसे कैमरे को थोड़ा सा ऊपर उठा ले, और थोड़ी सी यहाँ पे जो फोटो वगैरह वो दिखाते हैं, एक बार उठा लो भाई। तो दादी एक बार खड़ी होंगे आप, तो भाई देखो ये दादी का ऑफिस है, थोड़ा पीछे हो जाओ, और भाई देखो यहाँ पे फोटो वगैरह सबके लगे हुए हैं। इधर देखो दादी, ये कौन सी हीरोइन है इधर? ये तापसी पन्नू है बेटे, तापसी पन्नू। अच्छा, ये ताप मेरा रोल इन नहीं करा था। अच्छा, तापसी पन्नू ने। ये देखो भाई तापसी पन्नू की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दादी साथ में प्रकाशी हैं, ये वाली दादी, तो इन्हीं का रोल इन्हीं ने करा था, तापसी पन्नू ने। और ये देखो योगी आदित्यनाथ जी के साथ में है। और भाई इधर देखो बहुत सारे फोटो हैं, अखिलेश यादव हो गए, और भाई ये बहुत सारे अवार्ड वगैरह। ये आपकी पोती है? ये मेरी पोती है रूबी तोमर, पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर। और वह मेरी बेटी है, ये कंधे बंदूक धर रही, ये ट्रैप की शूटर है सीमा तोमर, यह मेरी बेटी है। अच्छा। तो दादी वो जो सबसे ऊपर फोटो, वो भूमि पांडेगर। अच्छा। वो चंद्रो दादी का रोल। हाँ, और वो देखो भाई फोटो आ रहा है, थोड़ा जूम कर लेता। तो भाई देखो वो जो सामने आपको फोटो नजर आ रहा होगा, वो कपिल शर्मा, ये आप इनके शो में भी गई थी? हाँ, इसके शो में गई थी, मनीष कोल के शो में भी गई थी, मनीष कोल के में भी गई थी। अच्छा। सलमान खान के बिग बॉस में भी गई थी। अच्छा। गई सारे को, लेकिन उनके फोटो नहीं है, कहाँ ना चढ़वाऊँ इतने। हाँ। फोटो तो भाई आपने काम कर दिया कि बॉलीवुड का भी, और कोई छोड़ा ही नहीं मतलब जिसके साथ। ये रे प्रणब मुखर्जी, ये रे प्रणब मुखर्जी, ये देखो भाई राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ये देखो ये पूरी मतलब यहाँ पे पूरी टीम है। इनके पास लंच करा था बैठ कर, मैंने लंच करा था इनके पास। अच्छा, राष्ट्रपति के साथ। ये सचिन, ये सचिन तेंदुलकर है भाई देखो। आ, तो दादी इसकी थोड़ी सी बात बताओ, ये फोटो कहाँ का है? ये बम्बई का। हाँ, बड़ी खुशी हो रही है भाई हमें तो, मतलब बॉलीवुड का भी कोई भी एक्टर हो खिलाड़ी हो सबके साथ में दादी का। और देखो ये अनुपम खेर है, इनने बुलाए थे गूगल के प्रोग्राम में गई थी इनके, इन्हें बुलाए थे मेरी बेटी। अच्छा। ये किरण खेल है, ये सिद्धाक है, भारती है, और करण जोहर मलाइका अरोड़ा उठे नहीं थे फोटो को, सोन में स्टेज पे बैठे रहे थे। अच्छा, बता दी फोटो कहा जिसमें डीआईजी का बता दिया आप थोड़ा सा ऐसे जरा कानून है। अच्छा, ये रहे बेटा, ये वो डीआईजी यूरा, देखो साइड में खड़े हो भाई, साइड में खड़े हो, देखो ये पहला था लोगों का फोटो खिंचवाया। पिक्चर में देखो, पिक्चर में कितना मुंडा मुंडा में रो है यू। अच्छा, पिक्चर में भी दिखा रहा क्या है भाई, सांड की आंख फिल्म में देखना, दादी के ऊपर पूरी कहानी उसमें शूट की गई है। ये सत्यमेल जयते का कब दरा? सत्यमेल जयते में स्टार प्लस पे आता था भाई, देखो ये रहा सत्यमेव जयते पे, ये दादी को मतलब वहां से कब मिला है। हाँ, गए थे पहले। अच्छा। मारे है 4-5 दिन सत्यमेल जयते में। अच्छा। आमिर खान ने बुलाए थे। अच्छा। आमिर खान का एक शो आया करता था स्टार प्लस पे सत्यमेव जयते, दादी वहां भी गई थी शो करने के लिए, थोड़ा सा पीछे होना था।
ये देखो भाई, ये देखो ये अवार्ड, ये जो दादी को मिले हैं भाई, बहुत सारे अवार्ड हैं, बहुत सारे जीत रखे हैं भाई, वाकई में बहुत अच्छा है। और अपने बागपत ज़िले में मतलब दादी ने इतना ऊंचा रोशन काम किया है, दादी को मैं बार बार सलाम करता हूँ भाई। बड़ी खुशी हुई मेरे को दादी ने मतलब इतने अवार्ड जीते, नाम ऊंचा करा, दादी बार बार सलाम करता हूँ आपको। चलो बेटे, बहुत खुशी मुझे भी, मैं तुम्हें आसरी बात दूँ बहुत, अब थारा और काम बढ़े, आगे तरीकी करो और आगे बढ़ो। दादी एक बार आशीर्वाद दो, मेरे को अच्छा लगेगा थोड़ा। आशीर्वाद है बेटे, और आगे सफलता मिलेगी, जितने चलते रहोगे, अच्छे काम करते रहोगे, सफलता मिलती रहेगी, आगे बढ़ते रहोगे। तो दादी क्या संदेश देना चाहेंगी लड़की और महिलाओं के लिए? देखो बेटे, मेरा संदेश यही है, लड़की को तो यह संदेश दूँ कि लड़की को रोक कर ना बैठाओ, लड़की को बाहर निकाल लो। जैसे मैं निकाल ली, मेरी लड़की कामयाब होगी, तो लड़की को तो सहयोग करो, हिम्मत बढ़ाओ, लड़की लड़कू तो कम नहीं है। लड़की का दिल ना बोचो, लड़की को धाकड़ बनाओ, लड़की क्या नहीं कर सकती। पायलट लड़की है, गाड़ी लड़की चलावे, बाइक लड़की चलावे, डॉक्टर लड़की है, लड़की सब कुछ करती है। सब कुछ करने लगी लड़कियों को मतलब सपोर्ट करो, क्योंकि भाई आज के टाइम में आप देख रहे हैं जो अब राष्ट्रपति बनी है वो भी एक लेडीज है। वो भी तो राष्ट्रपति बनी, वो भी लेडीज है, ये जो कमिश्नर आई ये भी लेडीज है। तो बेटे लड़की क्या नहीं कर सकती, लड़कियों की हिम्मत बढ़ाओ, लड़कियों को सहयोग करो, हिम्मत बढ़ाओ, लड़की सब कुछ कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दादी अपना कीमती समय देने के लिए। ठीक है बेटे, मैं सभी को आशीर्वाद दूँ और मैं सभी को धन्यवाद करूँ, सभी को आशीर्वाद दूँ, आगे बढ़ो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। तो भाई चलो ठीक है, मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय भारत।